हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं भाई के कॉलेज। वहां का आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे, कैसा है, क्या है, नहीं है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि कौन सा कॉलेज जाने वाले हैं, तो आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा कॉलेज की बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग जाने वाले हैं भारती विद्यापीठ, जो कि पुणे में है, इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों। तो दोस्तों, आज जाएंगे वहाँ और आपको सारा रिव्यू देंगे, कैसा है, क्या है, सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी पूरी से पूरी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं। अब दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं कैंपस के बाहर। अब दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि बस आ जाए, फिर हम लोग बस में चढ़ करके जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली बस में हम लोग एसी वाले चढ़ गए हैं, तो चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो है ये आर्मी का कैंप है, जहां आर्मी लोग रहते हैं। आई लव कथराज पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये भारतीय विद्यापीठ का बॉयज हॉस्टल है, जहां पे बाहर में गार्ड भी बैठे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये भारती विद्यापीठ का आयुर्वेद का कॉलेज है। इसको आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, जो लाल वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये भारती विद्यापीठ का कैंटीन एरिया है, जो पैसों खाना उना खाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 22 जनवरी का पूरा धूमधाम से तैयारी चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि 22 जनवरी को है क्या। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही भारतीय विद्यापीठ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है। देख सकते हैं यही वाला है। तो जो लोगों को 2022 टेस्ट में प्लेसमेंट मिला है, उनका फोटो है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भारती विद्यापीठ का खुद का बैंक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों होम्योपैथ का है, देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल पुणे, ये आयुर्वेद का है और हॉस्पिटल है दोस्तों। देख सकते हैं भारती विद्यापीठ के कैंपस में ही है। यहाँ पर दोस्तों कार पार्किंग एरिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं भारती विद्यापीठ गया हुआ था, जैसा कि आपको पता है मैं रूम पे आ चुका हूँ और कपड़ा वपड़ा चेंज कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, भारती विद्यापीठ जो कॉलेज है पुणे में, बहुत ही अच्छा है। उसका सोच लीजिए हॉस्पिटल है, बहुत कुछ है दोस्तों। आपको मैंने ब्लॉग में तो सारा कुछ दिखा ही चुका हूँ। और दोस्तों एक चीज़ हर कॉलेज में तो नहीं दिखता है, लेकिन इस कॉलेज में दिखा दोस्तों कि ये अपना खुद का बैंक खोला हुआ है दोस्तों, भारती विद्यापीठ ATM करके दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा ये। और दोस्तों ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और बहुत लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं और बहुत लोग का यहाँ पर सिलेक्शन भी होता है, जॉब लगता है। और वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए भी थे पोस्टर, जिसमें मैं आपको दिखाया हूँ कि बहुत लोगों का लगा है दोस्तों। और दोस्तों मैं भारती विद्यापीठ का हॉस्टल के अंदर भी गया था दोस्तों। हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा था दोस्तों। एक रूम में 3 बेड थे और 3 अलमीरा दिया गया था गोदरेज का, और बहुत ही अच्छा हॉस्टल था। साफ़ सफाई में भी बहुत ही अच्छा था, साफ़ सफाई पूरा अच्छे से था दोस्तों। मैं बोलूं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है भारती विद्यापीठ, जो कि पुणे में है दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छी बात थी ये कि भारती विद्यापीठ का हॉस्पिटल भी था, बहुत सारे हॉस्पिटल थे उनके, और बहुत ही अच्छा था, एम्बुलेंस वम्बुलेंस सब कुछ था दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉलेज है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर मैं अपने तरफ से व्यू दूँ भारती विद्यापीठ को, तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ का पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छा है सुनने में जैसा मुझे आया है, तो आप वहाँ एडमिशन जरूर से ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन एक बार अपने तरफ से भी इंफॉर्मेशन ले ले जो वहाँ पढ़ रहा है, उसके बाद एडमिशन ले दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि मैं तौसीफ का वीडियो देखा था और इस कारण से मैंने एडमिशन ले लिया, तो इस कारण से आप लोग भी अपने तरफ से दोस्तों मतलब इन्फॉर्मेशन ले लें, तभी आप लोग एडमिशन लें। तो दोस्तों और एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।